हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ एक स्क्रब का रिव्यू स्क्रब जो है वो हमारी स्किन केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप स्क्रबिंग नहीं करते हो तो जितनी भी डेड स्किन है वो चेहरे पर रह जाती है जिसकी वजह से चेहरा जो है वो ग्लो नहीं कर पाता अगर आप स्क्रबिंग टाइम टू टाइम करते रहते हो तो आपकी जो डेड स्किन है वो निकल जाती है एंड जो नई स्किन है वो ग्लो करती है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम दूर होती है स्पॉट्स वगैरह भी धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं तो स्क्रबिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्किन केयर रूटीन का वीक में एक बार तो आपको स्क्रबिंग अपने फेस पर करना ही चाहिए तो आज आप... मैं आपके साथ कुछ ऐसा ही स्क्रब शेयर करी हूँ जो मुझे बेहद पसंद है इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये है मोहा हर्बल स्क्रब रिवील्स हेल्दी स्किन मेक्स योर कॉम्प्लेक्शन ग्लो इसके जो मेन इंग्रीडियंट्स है वो है वॉलनट ऑरेंज पील नटमिट ऑलिव और रोज और ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है हंड्रेड ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है और कुछ इस तरह के फ्लिपटॉप के साथ आता है ये पैकेजिंग वो इसे काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर इसके पीछे इसकी सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ मेंशन की गई है प्राइस की बात करें इसकी तो ये है वन फिफ्टी फ़ाइव रुपीज़ का काफ़ी अफोर्डेबल है मोहा के प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज प्लस अच्छी क्वालिटी के होते हैं एंड यहाँ पर पीछे डिटेल्स दी हुई है रिन्यू द ब्यूटिफुल स्किन विथ मोहा हर्बल स्क्रब पावर इन्ग्रीडियंट्स लाइक वॉलट शेल जेंटली एक्सपोलियट्स डेड स्किन सेल्स वाइल ऑरेंज पील ब्राइटन स्किन नेचुरली ऑलिव ऑयल मॉइस्चराइजर्स डीप नटमिक एलिमिनेट स्किन एरप्शन एंड रोज रिटेंस मॉइस्चर ये सब कुछ इस पर मैंशन किया गया है यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स वगैरह सब कुछ मैंशन किए गए हैं आप चाहो तो चेक कर सकते हो और ट्वेंटी फोर मंथ्स मिलती है हमें इसकी शेल्फ लाइफ इसकी अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये इसके जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हैं बहुत ही जेंटल है आपकी स्किन पर बहुत अच्छी तरह से ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं इसके अंदर वॉलनेट शेल है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और साथ ही साथ इसमें ऑरेंज पील है जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है ऑलिव ऑयल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा साथ ही साथ और नटमिक जो है वो स्किन इरप्शन नहीं होने देता रोज़ जो है वो आपकी स्किन के मॉइस्चर को बाकी रखता है स्क्रबिंग करने से क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है कभी कभी तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होने देगी प्लस ये आपकी स्किन को इतनी जेंटली एक्सफोलिएट करता है बहुत अच्छी तरह से आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है प्लस आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हाइड्रेट रहेगी और इसकी फ्रेगरेंस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इसमें ऑरेंज पील रोज़ की ज़्यादा फ्रेगरेंस आती है तो काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी आपको इरीटेट बिल्कुल भी नहीं करेगी और अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है आपको इसका थोड़ा सा अमाउंट लेना है अपने हाथों पर और अपने गीले फेस पर सर्कुलर मोशन में दो से तीन मिनट तक मसाज करना है एंड उसके बाद आप इसे वॉश कर लें आपको इसे हल्के हल्के हाथों से ही अपने फेस पर मसाज करना है आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो ये वाला जो स्क्रब है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसे सभी स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो, तो मेरी तरफ से तो आप ज़रूर इस स्क्रब को ट्राई करें इसके परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग